तो अगर आप Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आपको पता है Realme की यहाँ पे कई सारी डिवाइसेज हैं, एंड ऐसे में यहाँ पे अप्रैल का मंथ जो स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ पे कौन कौन सी डिवाइसेज जो है लिस्ट हो सकती हैं अप्रैल अपडेट के लिए, क्योंकि आपको पता है हम नंबर सीरीज की बात करें या फिर एक्स सीरीज की बात करें या फिर प्रो सीरीज की बात करें या फिर नार्जो सीरीज की बात करें या फिर सी सीरीज की बात करें, तो ऑलमोस्ट Realme के कई सारे डिवाइस यहाँ पे मार्केट में जो है लॉन्च हो चुके हैं। ऐसे में सभी यूजर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट हमको कब तक मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिवाइस लिस्टेड हो सकती है सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, तो उसकी हम इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास Realme का ओल्ड डिवाइस है या फिर Realme का न्यू डिवाइस है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप Realme का डिवाइस यूज करते हैं और न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है, उनको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि Realme की बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारे डिवाइसेज है। अब पर्टिकुलर अगर हम किसी भी डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि Realme की तरफ से कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की जाती कि हाँ इस डिवाइस को इस मंथ अपडेट दिया जाता है। Realme की तरफ से मैनुअली जो है अपडेट यहाँ पे पुश आउट किया जाता है, जिसमें जो डिवाइस लिस्टेड होती है उन डिवाइस के यूजर्स को न्यू अपडेट दिया जाता है। ऐसे में आपको बताया अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है Realme UI 5.0 का, और कई सारे डिवाइस हैं। अभी कई सारे डिवाइस के यूजर्स को बीटा ट्रायल वर्जन जो अर्ली एक्सेस का है वो देखने को नहीं मिला है। ऐसे में जिन भी यूजर्स को बीटा ट्रायल अर्ली एक्सेस का वर्जन नहीं मिला है, उनको वेट करना है, यहाँ पे जो है उन सब डिवाइस के यूजर्स को मिल सकता है। अब इसमें Realme की जो लेटेस्ट सीरीज है, चाहे हम 12 सीरीज की बात करें, 11 सीरीज की बात करें या फिर 10 सीरीज की बात करें, तो इन सभी यूजर्स को 5.0 का लेटेस्ट वर्जन मिल सकता है। और इसके नीचे के जो डिवाइसेज हैं उनमें यहाँ पे 4.0 में जो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर वर्जन होंगे उनको दिया जा सकता है। आपको पता है इसके नीचे भी कई सारे डिवाइस है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ Realme यहाँ पे कई सारे डिवाइस में जो लेटेस्ट डिवाइस है, ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो 2 ईयर के अंदर अगर डिवाइस को परचेज किया है, तो उनको सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ज्यादा चांस है आने के। और जिनका बहुत ज्यादा टाइम ओवर हो चुका है, चाहे वो ओल्ड डिवाइस यूज कर रहे होंगे, तो अगर आपका डिवाइस बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होनी चाहिए Realme की तरफ से। बिकॉज आपको पता है जो Realme के सॉफ्टवेयर अपडेट है वो लगभग 24 मंथ के अंदर जो डिवाइस होते हैं उनको पर्टिकुलर रेगुलर अपडेट Realme की तरफ से पुश आउट किया जाता है। बट अगर आपके पास Realme का कोई भी यहाँ पे ओल्ड डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, तो ऐसे में आपको वेट करना चाहिए। अगर आपका डिवाइस एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा, चाहे आपके पास पुराना ही कोई डिवाइस क्यों ना हो, चाहे आपके पास कोई मिड रेंज का डिवाइस हो या फिर मिड टाइम का डिवाइस हो, ठीक है। आपको पता है कि Realme के कई सारे डिवाइसेज हैं और सभी डिवाइस को एक साथ सॉफ्टवेयर अपडेट करना पुश आउट करना मुश्किल सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पे ऑल ओवर जो पुरानी सीरीज है या फिर कोई नंबर सीरीज है, तो अगर आपका डिवाइस एप्लीकेबल होगा जो लेटेस्ट डिवाइस है उनको तो डेफिनेटली यहां पे अपडेट पुश आउट किया जाएगा अप्रैल के एंड से पहले। और जितने भी डिवाइस काफी जो ओल्ड हो चुके हैं, ऐसे में उनको वेट करना चाहिए अगर टीम सही से वर्क करती है। और अगर आपका डिवाइस एप्लीकेबल होगा तो यहां पे सॉफ्टवेयर वर्जन जो है रोल आउट किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं कई सारे डिवाइस उसमें भी हो सकता है कि कई सारे डिवाइस को स्किप भी हो सकता है, बट फिर भी कई सारे डिवाइस है जिनको यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट मिल सकता है अगर आपके पास कोई लेटेस्ट डिवाइस है, ठीक है। चाहे शुरू से हम बात करें, शुरू से, क्योंकि आपको पता है Realme ने कई सारे डिवाइस यहाँ पे रिलीज किए हैं, और Realme 1 से लेकर और Realme 12 Pro Plus तक कई सारे डिवाइस हैं, तो इन्हीं के बीच में अगर आपने कोई भी डिवाइस परचेज किया है और आपका डिवाइस लिस्टेड होगा, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट जो है टीम की तरफ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और 24 मंथ के अंदर होगा, तो आपके लिए चांस ज्यादा बन सकता है यहाँ पे अपडेट को मिलने का, ठीक है। तो ऑल ओवर इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई होगी, कौन कौन से डिवाइसेस हैं वो मैंने एक यहाँ पे आइडियली आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे अपडेट को पुश आउट किया जाएगा, कौन कौन सी डिवाइस हो सकती है, ठीक है। तो होपली ये वीडियो आपको पसंद जरूर से आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।